हेलो फ्रेंड्स, बी एच टेक्निकल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बालेंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडोज़ 8 इंस्टॉल्ड है, 8.1 इंस्टॉल्ड है, तो आप इसका अपडेट कैसे ऑफ़ करेंगे और दोस्तों क्यों ऑफ़ करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर विंडोज़ 8 या 8.1 इंस्टॉल्ड है, तो अगर अपडेट ऑन रहेगा तो वो अपडेट होकर विंडोज़ 10 में चला जाएगा और हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप का जो हार्डवेयर है वो विंडोज़ 8 के हिसाब से है, तो फिर उसमें आपको विंडोज़ 10 में अपडेट होने के बाद वही हैंगिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी और काफ़ी स्लो हो जाएगा आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको विंडोज़ 8 का अपडेट ऑफ़ करना है तो कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों इसको हम स्मॉल आइकॉन में कर देते हैं और आप नीचे देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखिएगा आपको एक ऑप्शन विंडोज़ अपडेट, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको सेकेंड नंबर पर चेंज सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें से ये टिक हटा देंगे और ये इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा नेवर चेक फॉर अपडेट, इस पर क्लिक कर देंगे और ये ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अब आपका जो विंडोज़ 8 है वो अपडेट नहीं होगा, और अपडेट नहीं होगा तो दोस्तों वो विंडोज़ 10 में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।